तो फ्रेंड्स आपको एक खराब लाइट ले लेनी है जो काम नहीं कर रही, तो उसको लेने के बाद आपको इसको खोल देना है। खोलने के बाद आपको अंदर से जो भी मिलेगा, तो हमको इसके अंदर ए मिला है तो हमने इसको बाहर निकाल दी है। और फ्रेंड्स आपको एक बोर्ड लानी है, 12 वाट की है, तो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़ी आसानी से 10 रुपए में सिर्फ मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर दोनों वायर्स ले लिए हैं, तो आपको इस वायर्स के एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर कनेक्ट करनी है। दोनों वायर्स आपको कनेक्ट करनी है, तो आपको इसमें होल दिख रहा होगा, वहाँ पर से आपको बाहर निकालने के बाद जहाँ पर मैंने दिखाया था यहाँ पर आपको बड़ी मजबूती से सोल्डिंग कर देनी है। और हमने यहाँ पर बड़ी मजबूती से सोल्डिंग कर दी है। इसके बाद आपको दूसरा वायर लेना है और उसे यहाँ पर सोल्डिंग कर देनी है बड़ी मजबूती से। फिर आपको इस तरीके से इसको बाहर निकाल देनी है। बाहर निकालने के बाद आपको जो खराब लाइट थी उसके बॉडी में पीछे की तरफ दोनों होल होगी, तो वहाँ पर से आपको वायर्स को बाहर निकालने के बाद अच्छी तरीके से बड़ी मजबूती से सोल्ड कर देनी है। और ऐसे ही दूसरे वायर्स को भी बड़ी अच्छी तरह कनेक्ट कर देनी है। तो देख सकते हैं मैंने सोल्ड कर दी और बहुत अच्छी तरीके से हुआ है सोल्ड। तो आपको इसको फेविक्विक की सहायता से यहाँ पर लाइट को चिपका देनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से चिपका दी। चिपकाने के बाद आपको एक जो इसमें कैप मिला था उस कैप को इसके ऊपर लगा देनी है। और फ्रेंड्स अब इसकी टेस्टिंग के बाद तो हमने होल्डर ले लिया और इसको हम इसमें फिट करने वाले हैं। उसके बाद डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से चलाएंगे, मतलब करंट से चलाएंगे जो आपकी घर पर आती हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो हम दिखा देते हैं इसमें करंट आ रही है कि नहीं। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसमें करंट आ रही है, तो हम इसको इसके अंदर अब लगाने वाले हैं। तो देखते हैं काम करेगी कि नहीं करेगी। तो स्विच ऑन पर देख लीजिए बिल्कुल काम करती है, बहुत सस्ते बोलती हैं। आपकी घर की अगर लाइट खराब हो चुकी है तो आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं।